नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब क्या पहले क्या बात हुई, पहले 10 साल 20th सेंचुरी के, अब जो है 20th सेंचुरी के जो लास्ट 10 ईयर्स है, एंड माई ओन 8th डेकेड एज अ मैन, और मेरा 8th डेकेड यानी कि मेरे कितने बोल सकते हो, डेकेड इन 10, 8 यानी 8 × 10, 8 ईयर्स, राइट? तो उनकी खुद की 8 ईयर्स की बात हो रही है एज अ मैन, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉरएवर. ये सिस्टम क्या हुआ, ओवरटर्न हो गया है. यानी पहले डिस्क्रिमिनेशन होता था, वाइट पीपल की सुप्रीमेसी थी, डोमिनेशन था, बट अब बिल्कुल उल्टा हो गया, एवरीबडी इज लिविंग टुगेदर, कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. तो ये जो एक ओवरटर्न हुआ है उसकी बात नेल्सन मंडेला जी कर रहे हैं, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन. और पहले सिर्फ कलर रेस पे जो है डिपेंड करते थे हर एक सिस्टम, हर एक बोल सकते हो डिसीजंस, बट अब एक ओवरटर्न हो गया है. अब कैसी सोसाइटी फॉर्म हो गई है जहां पर हर एक डिसीजन जो है वो लोगों के हित राइट्स को देखते हुए होगा, ना कि किसी के स्किन कलर को देखते हुए. क्लियर? ऑल राइट. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people, people whose suffering and courage can never be counted or repaid. और finally वो दिन आ गया उन लोगों के लिए जो बिल्कुल imagine नहीं कर पा रहे थे. कुछ लोग जो है इस चीज को imagine नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा भी दिन आएगा, right? जब ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, discrimination वगैरह खत्म हो जाएगा, एक democratic government आएगी. और वो किन लोगों की बात करें Nelson Mandela, वो लोग जो उनके लोग हैं, यानी जिन्होंने ने उनका साथ दिया, जिन्होंने बहुत ज्यादा सफर किया और करेज दिखाया, हिम्मत दिखाई, राइट? प्रिजन में जाके रहना, हर चीज के अगेंस्ट फाइट करना, इट्स वेरी करेजियस, जो कि हर कोई नहीं करता, बट ये वो लोग थे जिन्होंने करेज दिखाया. और आज वो दिन आ गया था जिसका इन लोगों को बहुत टाइम से वेट था, इंतजार था. क्लियर? और ये जो है इट कैन नॉट बी काउंटेड और रीपेड, राइट? और ये जो है इसको काउंट नहीं कर सकते, रीपे नहीं कर सकते हो. जितने भी सैक्रिफाइस इन लोगों ने दिए हैं, जितने भी करेज इन्होंने दिखाया है, उसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, रीपे नहीं कर सकते हो. क्लियर? आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी. और मैं उस दिन भी वही फील कर रहा था, वही सोच रहा था जो मैं बाकी के दिनों पर भी सोचता था, फील करता था कि कैसे साउथ अफ्रीका के जो पेट्रियट्स हैं, यानी जो लोग जो है देशभक्ति से फुलफिल थे, उन लोगों ने मेरा किस तरीके से साथ दिया, एंड हैड गॉन बिफोर मी. यानी वो तो बिल्कुल मेरे आगे ही जा रहे थे, यानी इस देश को, साउथ अफ्रीका को फ्री कराने के लिए, फ्रीडम दिलाने के लिए जो उन्होंने मेहनत की है, उन्हीं के बारे में जो है ये नेल्सन मंडेला सोच रहे थे, बाकी दिनों की तरह उस दिन भी. क्लियर? दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगैन अगेन विथ मी. और वो जो लाइन थी, नोबल लाइन, वो उसी वक्त खत्म हो गई थी, बट अगेन एक नई शुरुआत हो रही है. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. Wrought का मतलब देख लेते पहले, old fashion formal word है done और achieved के लिए. ठीक है, जब हम बोलते हैं achieved या किसी चीज को पा लिया है, उसको हम पहले बोलते थे wrought. तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि भाई ये जो रीपे और काउंटेड की बात हो रही थी ना, या फिर उस दिन क्यों नेल्सन मंडेला इन लोगों के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने इस फ्रीडम को पाने के लिए अपनी जान गंवाई थी, दे आर नो मोर. इसीलिए उनकी बात हो रही है कि भाई जितनी उन्होंने मेहनत की, जिस दिन का वो वेट कर रहे थे, वो दिन देखने के लिए ही वो जिंदा नहीं थे, दे वर नॉट प्रेजेंट एट दैट मोमेंट. और इस चीज को नेल्सन मंडेला फील करते हुए हमें भी बता रहे. क्लियर? ऑल राइट. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. ये जो racial discrimination का system था, जो apartheid system था South Africa में, इसने क्या किया है, इसने एक wound, एक चोट, जिसे आप बोलते हैं घाव हिंदी में, राइट? तो ये वूंड क्रिएट कर दिया है कहां पर, कंट्री में भी और लोगों के दिलों में भी, इन माय पीपल. ठीक है, तो हर किसी के दिमाग में, दिल में, उस कंट्री में ये एक चीज तो रही थी कि भाई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ, और वो जो घाव है, वो जो वूंड है, वो ठीक होगा, बट अब धीरे धीरे. क्लियर? All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound
हर्ट। और अब हम सब जो हैं बहुत साल इसी तरीके से फ्रीडम में, फ्रीली एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है बिताएंगे, ताकि हम इस वूंड को ट्रीट कर सकें, ठीक कर सकें, रिकवर कर सकें इस वूंड से, इस हर्ट से। क्लियर? बट हो सकता है हम कुछ ईयर्स की बात करें, ज़रूरी नहीं हम जनरेशन तक जिंदा रहें, बट ठीक है कुछ ईयर्स तो हम इस ब्यूटिफुल से लैंड पे ब्यूटिफुल गवर्नमेंट के अंडर स्पेंड करेंगे, ताकि हमारा जो घाव है, जो वूंड है, वो ट्रीट हो सके। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulu, the Chief Luthuli, the Yusuf Dadoes, and the Bram Fishers, the Robert Sobukwes of our time. इतने सारे नाम दिए हुए हैं, क्या दिया है भाई यहाँ पर, कि ये जो सालों साल जो ऑपरेशन, जो मतलब दबाव था वाइट लोगों का, जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, ब्रूटैलिटी यानी कि जो बहुत बुरी तरीके से क्रूअल बिहेवियर होता था, उसकी बात हो रही है कि उन्होंने क्या क्रिएट किया, एक अनइंटेंडेड इफेक्ट, यानी कि ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, बट वो जो इफेक्ट क्रिएट किया था, एंड दैट वॉज इट प्रोड्यूस्ड। और इस इफेक्ट ने ही क्या किया, इन लोगों को प्रोड्यूस किया। ये लोग कौन है अभी हम देखेंगे, ठीक है? तो ये कुछ नाम दिए हुए हैं नेल्सन मंडेला जी ने, कि भाई ये वो कुछ लोग हैं जो इस इफेक्ट की वजह से सामने आए। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, ये वो लोग थे जिन्होंने हिम्मत दिखाई थी इस गवर्नमेंट के लिए, इस फ्रीडम को पाने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन को एंड करने के लिए। विजडम एंड जेनरोसिटी दैट देयर लाइफ लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, यानी कि इन्होंने वो करेज, वो विजडम, वो इंटेलिजेंस, वो जेनरोसिटी दिखाई थी इस सिस्टम के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, जो आई डोंट थिंक, यानी नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि आगे अब कभी ऐसा कुछ होगा, या फिर ऐसे लोग जो है रिपीटेडली आएंगे। क्लियर? हमें मीनिंग गिवन है प्रोफाउंड का, विच मीन्स डीप एंड स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर जो हमने बात की थी ना प्रोफाउंड हर्ट की, इट मीन्स वॉट, बहुत ज़्यादा गहरा घाव, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? अब देखते हैं भाई ये लोग कौन है। तो हमें यहाँ पर कुछ पिक्चर्स गिवन है, आपकी बुक में गिवन है, जैसे ओलिवर टैम्बो ये हैं, वॉल्टर सिसुलु, चीफ लुथली, यूसुफ डैडू, ब्राम फिशर एंड रॉबर्ट सोब्युकन, ये कौन है? दीज आर सम प्रोमिनेंट नेम्स इन द स्ट्रगल्स अगेंस्ट एपार्टहाइड। ये वो लोग हैं जिन्होंने नेल्सन मंडेला का साथ दिया था टू फाइट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेटिंग सिस्टम्स एपार्टहाइड, राइट? यानी कि इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने इतना करेज दिखाया, पूरी तरीके से अपनी जेनरोसिटी, विजडम दिखाते हुए इन लोगों ने फाइट किया अगेंस्ट द एपार्टहाइड सिस्टम। क्लियर? ऑल राइट। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। और इतना जो बोल सकते हो ना, इतने अच्छे लोग, इतने करेजियस लोगों को आगे आने के लिए, उनका बोल सकते हो वर्ल्ड में सामने आने के लिए, ये तभी पॉसिबल होता है जब इतनी गहरी, इतना गहरा वूंड हुआ हो, इतनी गहरी चोट लगी हो किसी को, ऑपरेशन यानी कि इतनी बुरी तरीके से किसी को डिस्क्रिमिनेट किया होता है, तभी उस वूंड की वजह से, वो जो एक इफेक्ट पड़ता है, उस वजह से ही ऐसे लोग सामने आते हैं। नहीं तो खुद से क्यों आएंगे भाई, जिसे को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जिसे कोई तकलीफ नहीं होगी, वो क्यों आगे आके लड़ेगा? यानी ये इतना ज़्यादा सिस्टम जो है डिस्क्रिमिनेट करता था, जिस वजह से ऐसे लोग जो है सामने आए, दे फॉट अगेंस्ट दिस सिस्टम। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. मेरी जो कंट्री है, जो साउथ अफ्रीका है, वो क्यों फेमस है? क्योंकि इसकी सॉइल के अंदर क्या है, बहुत सारे जेम्स, बहुत सारे मिनरल्स हैं जो फेमस हैं। But I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. क्या बोल रहे हैं कि भाई मेरी जो कंट्री है वो फेमस किसके लिए है? उन जेम्स, उन मिनरल्स के लिए जो हमारी सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, राइट? बट मैं मानता हूं कि अगर मेरी कंट्री के कोई सबसे ज्यादा बोल सकते हो फेमस लोग हैं, या जिनकी वैल्यू है, वो है मेरे लोग, द पीपल ऑफ माय कंट्री, जो कि डायमंड से भी ज्यादा प्योर है। डियर स्टूडेंट्स, दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। डू नॉट हेजिटेट टू पुट योर कमेंट्स, क्वेरीज और क्वेश्चंस इन द कमेंट्स बॉक्स। Take very good care of yourselves and your family. Stay home, stay safe. We will meet again in the next part of this lesson or a new lesson. Subscribe to this channel, like this video and share it with your friends. Don't forget to touch the bell icon for notifications of new videos. Till then, it's goodbye from Bram School.